आजम खान को बड़ा झटका, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा, फिर हो गई 10 साल की जेल, 14 लाख का लगा जुर्माना। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बस्ट। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 1 जून को अंतिम फेज का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा, जहां जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को एक बार फिर से सजा का ऐलान हो गया है। आजम खान को 10 साल की जेल के साथ 14 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। इससे पहले समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट की तरफ से बरकत अली ठेकेदार को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है और 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। डूंगरपुर में दर्ज प्रकरण मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। आजम खान और बरकत अली ठेकेदार को सजा सुनाई गई। आजम खान और ठेकेदार बरकत अली को कल एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से डूंगरपुर बस्ती मामले में दोनों को दोषी करार दिया था। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनको एक और मामले में दोषी पाया गया और कोर्ट की तरफ से सजा भी सुना दी गई है। बता दें कि सपा नेता आजम खान पर साल 2019 में डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली करने और धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में आजम खान और बरकत अली ठेकेदार को रामपुर के एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया, साथ ही कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने आजम खान को कल दोषी माना था। आजम खान पर डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने, मारपीट, तोड़फोड़, लूटपाट और धमकाने का आरोप था। मामला 6 दिसंबर 2016 का है। आजम खान पर इस मामले में 2019 में केस दर्ज हुआ था। रामपुर के एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। आखिर पूरा मामला है क्या, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल रामपुर जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति का घर जबरन खाली कराकर उसे ध्वस्त करने के 8 साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी करार दिया और सजा भी सुनाई। रामपुर जिले के एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को बीते दिन दोषी करार दिया था और फिर फैसला रिजर्व रख लिया। डूंगरपुर प्रकरण में फिर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार ने सजा सुनाई। आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद है। जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी हुई। आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि जबरन मकान खाली करवाकर उसे ध्वस्त करने के मामले में विशेष एमपी एमएलए अदालत ने पूर्व मंत्री को दोषी करार दिया था। बता दें कि डूंगरपुर बस्ती के निवासी अबरार नाम के व्यक्ति ने 6 दिसंबर 2016 को गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आजम खान, सेवानिर्मित पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। इसके साथ उसने ये भी इल्जाम लगाया कि जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया था। साथ ही समाजवादी पार्टी सरकार में 2016 में डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों के मकान तोड़कर आसरा आवास बनाया गया था। 2019 में बेघर 12 लोगों ने गंज कोतवाली में अलग अलग केस दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में आजम के इशारों पर पुलिस और सपाइयों ने उनके घरों को जबरन खाली कराया, उनका सामान लूटा गया, मकानों पर ध्वस्त किया गया। इन मामलों पर पहले आजम खान नामजद नहीं थे। डूंगरपुर केस में आरोपियों की धरपकड़ के बाद पूछताछ हुई, इसमें आरोपियों ने आजम खान का नाम लिया। 12 केस में से 8 में फैसला सामने आ चुका है, 5 में उन्हें सजा और 3 में वो बरी हुए हैं। एक मामले में उन्हें 7 साल की सजा हुई थी। इस मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, हालांकि एक अन्य मामले में सजा मिलने के कारण वो रिहा नहीं हो पाए हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक कहावत है, अगर नवाबों के बाद किसी ने राज किया है तो वो आजम खान साहब ने। स्थानीय लोग रामपुर के नवाबों और आजम खान के बीच तुलना करते हैं। वो आजम खान के परिवार को रामपुर में सबसे शक्तिशाली कहते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें समाजवादी पार्टी सरकार के शासन 2012 से 17 के दौरान मिनी मुख्यमंत्री भी कहा, लेकिन वहीं आजम खान अब सलाखों के पीछे हैं। सपा नेता आजम खान का आपराधिक इतिहास सजा का मुख्य कारण बन रहा है। आजम पर अब तक 108 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 80 मुकदमे ट्रायल पर चल रहे हैं। कोर्ट पिछले 17 महीने में 6 मामले में सपा नेता को सजा सुना चुकी है और अब एक और मामले में सजा हुई है। हालांकि 4 मामलों में उन्हें बरी भी किया जा चुका है।
बरी पीए किए गए एक मामले को अभियोजन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सपा नेता आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। वो 10 बार विधायक, 4 बार कैबिनेट मंत्री, 1 बार राज्यसभा और 1 बार लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा से सपा नेता की मुश्किलें ऐसी बड़ी कि उससे अब वो कभी भी उभर नहीं पा रहे हैं। सपा नेता आजम खान पर रामपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद के साथ साथ कई अन्य जिलों में कुल 108 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें से 80 मामले विचाराधीन हैं कोर्ट में। 17 महीने में अब तक 6 मुकदमों में सपा नेता आजम खान को कोर्ट में सजा सुनाई जा चुकी है और 3 मामले में बरी हो चुके हैं। 1 मामले में सरकार की ओर से सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की जा चुकी है। आजम खान इस समय सीतापुर जेल में बंद है। रामपुर के स्थानीय लोग बताते हैं कि आजम के उत्थान और पतन की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सपा की सरकार के दौरान जब मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था, तब पूरी कैबिनेट रामपुर में मौजूद थी। 2017 में यूपी में सत्ता बदली और आजम खान का समय भी बदल गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद आजम खान ने रामपुर संसदीय सीट से जीत हासिल की। सपा नेता ने बीजेपी उम्मीदवार जयप्रदा को 1,09,997 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। आजम खान को 5,59,177 वोट मिले। 2019 में आजम खान के पतन की शुरुआत हुई। आजम खान अपने बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन जो उनकी ताकत थी वही उन पर भारी पड़ी। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ नफरती भाषण दे दिया। 2022 में रामपुर की एक स्पेशल अदालत ने हेट स्पीच के मामले में आजम खान को दोषी पाया और विधानसभा की उनकी सदस्यता भी चली गई। इसके बाद रामपुर में विधानसभा के उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा के असीम रजा को शिकस्त दी। अब एक एक करके आपको बताते हैं कि आजम खान को कब कब सजा हुई है। 27 अक्टूबर 2022 को मिलक में दर्ज लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा 3 साल की सजा और ₹2,000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सेशन कोर्ट ने इस मामले में उनको बरी कर दिया था और ये मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं 15 फरवरी 2023 को मुरादाबाद के थाना छजलेट में दर्ज मुकदमे में MP MLA कोर्ट मुरादाबाद द्वारा 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। 15 जुलाई 2023 को शहजाद नगर थाने में दर्ज नफरती भाषण के मामले में 2 साल के कारावास और ₹2,500 अर्थदंड की सजा सुनाई गई। 18 अक्टूबर 2023 को थाना गंज में दर्ज अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में MP MLA कोर्ट से 7 साल की सजा और ₹50,000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। 18 मार्च 2024 को डूंगरपुर मामले में आजम खां को 7 साल की कैद और ₹8,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। 29 मई 2024 को डूंगरपुर के एक और मामले में सपा नेता दोषी करार हुए और फिर एक दिन बाद सपा नेता आजम खां को डूंगरपुर बस्ती केस में रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी है। कोर्ट ने आजम खां पर 14,00,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने बुधवार को आजम और बरकत अली को दोषी ठहरा दिया। वहीं अब उन मामलों की बात करें जिसमें आजम खां बरी हो चुके हैं। पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने, डूंगरपुर के 2 मामले और भड़काऊ भाषण के मामले में सपा नेता आजम खां को बरी किया जा चुका है। भड़काऊ भाषण के मामले में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।